सो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं सीजी एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में मैं आपको एक मिनी पावरफुल कूलर बनाकर दिखाऊंगा तरीके से और चीप प्राइस में बन जाता है फ्रेंड। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को एक छोटा पावरफुल मिनी डीसी मोटर लेना पड़ेगा फ्रेंड, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से इजीली मिल जाएगा। और अपने इसके साथ हमको एक चाहिए प्लेटफॉर्म, जो आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिल जाएगा लोकल मार्केट से। तो फ्रेंड, ये 5 वोल्ट में अच्छा वर्क करता है, जिससे मैं काफ़ी अच्छे तरीके से वाटर पम्प बना सकता हूँ, मतलब कूलर में इसको फिटिंग कर सकता हूँ फ्रेंड। और ये चलने वाला है फ्रेंड अपना पावर बैंक जो बनाया था इससे, तो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है फ्रेंड। और आप चाहे तो इसको 5 वोल्ट चार्जर, मोबाइल चार्जर से भी चला सकते हो फ्रेंड इस कूलर को। तो चलिए फ्रेंड, इस कूलर को बनाते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से ठंडी हवा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, हम बाहर की तरफ आ गए फ्रेंड, जो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड, इसको बनाने के लिए मैं कुछ है, इसका जो कूलर का फैन है फ्रेंड प्लास्टिक का, तो मैं इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से बना लिया हूँ, जो काफ़ी अच्छे तरीके से दिख रहा है फ्रेंड। और इसको बनाने के लिए मेरे को बहुत मेहनत लगा फ्रेंड, और आप समझ सकते हो। तो फटाफट लाइक कीजिए फ्रेंड, और वीडियो में नया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में नया है फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देख सकते हो फ्रेंड, तो इसको मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ फ्रेंड, कितने सेंटीमीटर का मैं इसको लिया हूँ, कितने क्या लिया हूँ। तो फ्रेंड, मैं इसे आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, आप शुरू से करते हैं स्टार्टिंग। तो फ्रेंड, इसको मैं 7 सेंटीमीटर लिया हूँ फ्रेंड, इसको भी 7 सेंटीमीटर लिया हूँ। और आगे चलते हैं फ्रेंड, तो इसको मैं लिया हूँ अपने को 12-13 इंच लिया हूँ फ्रेंड, मतलब 13 सेंटीमीटर। और इससे मैं 7 सेंटीमीटर, और इसके पीछे की जो है इसको भी मैं 7.5 सेंटीमीटर लिया हूँ फ्रेंड, और इसको भी 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मैं इसका डायग्राम बनाया हूँ फ्रेंड। इस तरफ भी वही है फ्रेंड, 13 सेंटीमीटर, और इस तरफ भी 7 सेंटीमीटर। इस तरह से मैं इसको डायग्राम बनाया हूँ फ्रेंड। और आपको समझने में लगेगा फ्रेंड, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको इसका डायग्राम दोबारा दिखाऊंगा फ्रेंड। एक और है, जो मैं इसको 9 सेंटीमीटर लिया हूँ, और इसको 7 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड, इस तरह से मैं इसका लुकिंग दिया हूँ। तो फ्रेंड, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड, मोटर को इसमें फिटिंग करने के लिए फ्रेंड, इस तरह से मैं पुराने कंपोनेंट का से जुगाड़ करके इसको लाया हूँ। और मोटर को लगाने के लिए फ्रेंड, हम इस तरह से इसमें लगा लेंगे, जो काफ़ी अच्छे तरीके से मजबूती से इसमें अटका रहा है फ्रेंड जो मोटर है। तो मोटर को आपको दिखा लेना चाहता हूँ फ्रेंड, इस तरह से मोटर है, तो इसको हम यहाँ लगाएंगे फ्रेंड इस तरह से, और हम यहाँ लगाकर इसको सेट कर देंगे ऐसा नट बोल्ट की मदद से इस तरह से। तो फ्रेंड, लगातार बोलना पड़ता है तो कभी कभी गलत हो जाता है फ्रेंड, तो इसको इग्नोर कर देना फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इसको फिटिंग कर लेते हैं। तो इसको फिटिंग करने के लिए फ्रेंड, हमको इसको अंदर की तरफ, तो पहले तो इसको फिटिंग कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड, स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेते हैं। और फ्रेंड, इसका वीडियो नहीं देखा फ्रेंड तो मेरे यूट्यूब चैनल सीजी एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको देख लीजिए, काफ़ी अच्छे तरीके से। और जो ये कुलता भी फ्रेंड देख सकते हो, ये 12 वोल्ट बैटरी, मैं आपको बार बार भी बताया हूँ, और आपको समझ नहीं आएगा तो फ्रेंड मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, जो काफ़ी अच्छे तरीके से आप देख सकते हो फ्रेंड। और ये देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ से इसको रोटेशन चेंज कर सकते हो। इसलिए फ्रेंड, हम इसको अच्छे तरीके से नट बोल्ट से टाइट कर लेते हैं फ्रेंड। इस तरीके से हम टाइट कर लिए फ्रेंड। तो फ्रेंड, हम इस तरीके से अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टाइट कर लिए, और इसको अंदर की तरफ फंसा लेते हैं फ्रेंड। तो इसको अंदर की तरफ फंसा लेते हैं, देख सकते हो फ्रेंड टाइट हो गया है, तो इसको अंदर की तरफ हम फंसा लेते हैं। तो इस तरह से हम अंदर की तरफ फंसा लेते हैं इसको,
तो फ्रेंड हम इस तरीके से इसको टाइट कर लिए हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से मजबूती से हो गया फ्रेंड। और तो इसका जो वाटर पम्प का फ्रेंड उसको भी हम आपको दिखा देते हैं, लीजिए भैया। तो इसको भी हम लगाएंगे इस तरह से, इस तरीके से। तो फ्रेंड हम इसको साइड लेकर रख देते हैं, अभी हमको बहुत कुछ करना है फ्रेंड। तो आपको एक और कुछ दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड जो उसमें लगाऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड हमको यहाँ पास दो स्विच लगाना है या एलईडी लगाना है, काफ़ी अच्छे तरीके से दिखेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड हम इस तरीके से दो स्विच लेंगे, जो SPST स्विच है फ्रेंड, जो काफ़ी अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से मिल जाएगा। तो हमको इस तरीके से यहाँ लगाएंगे फ्रेंड। तो यहाँ हम SPST स्विच को लगा लेते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको फिटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड इस तरीके से मैं लगा लिया हूँ और दिखने भी काफ़ी अच्छे तरीके से लग रहा है फ्रेंड, देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड चार्जिंग फीमेल अडाप्टर, तो इस तरीके से चार्जिंग जो है मैंने जुगाड़ करके बनाया हूँ फ्रेंड, ये देख सकते हो चार्जिंग का ही है फ्रेंड। तो इसको मैं यहाँ लगाने वाला हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ लगाने वाला हूँ फ्रेंड, इसके नीचे लगाने वाला हूँ, यहाँ नहीं। तो यहाँ पर होल कर लेते हैं। तो फ्रेंड मैं इसका चार्जिंग पोर्ट यहाँ लगा लिया हूँ, जो अपना 5 वोल्ट मोबाइल चार्जर का लगता है उसको यहाँ लगा दिया हूँ फ्रेंड, देख सकते हो अंधेरा हो गया फ्रेंड, तो नहीं दिख रहा। तो इस तरीके से मैं लगा लिया हूँ यहाँ पास, देख सकते हो, ये देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड इसका मैं कनेक्शन एक बार आप लोगों को मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को इसका कनेक्शन मैं डायग्राम बताऊँगा। तो फ्रेंड आप सोच रहे होंगे कि इसका जो पॉपुलर है, मतलब इसका जो फैन है, जो पंखा है बोलते हैं, तो इस प्रकार से फ्रेंड आप देख सकते हो, इस तरह से आपको आसानी से मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक दुकान से। और इसको यहाँ से यहाँ पास लगाएंगे इस तरीके से, देख सकते हो फ्रेंड कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पास, देख सकते हो फ्रेंड काफ़ी अच्छी तरीके से ये लग चुका है फ्रेंड। ये चलेगा अपना 5 वोल्टर जो चार्जर रहता है उसी से चलेगा। तो चलिए फ्रेंड इसका कनेक्शन करके मैं आप लोगों को बता दूंगा फ्रेंड। तो पहले कनेक्शन करके आ जाता हूँ फ्रेंड अपने जहाँ सोल्डिंग आ रहा रहता है फ्रेंड वहाँ। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं। तो फ्रेंड इसका मैं जो कनेक्शन था अच्छे तरीके से मैं कर लिया हूँ फ्रेंड, और काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाया गया है। और देख सकते हो फ्रेंड मैं आपको चलाकर भी दिखा देता हूँ, और सॉरी अभी तो इसका कनेक्टेड नहीं है, हाँ फिर चलाकर दिखा सकता हूँ फ्रेंड मैं अपने पावर बैंक में। तो चलिए फ्रेंड इसको एक बार हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो इस टेस्टिंग करने से पहले मैं आपको इसका डायग्राम और इसका कनेक्शन मैं आपको समझा देता हूँ फ्रेंड। देख सकते हो फ्रेंड जो वाटर पम्प है, तो मैं जैसा जो इनपुट आता है फ्रेंड, इनपुट का जो फ्लश वायर है वो सीधा गया है मोटर में। यहाँ जो मोटर है, यहाँ समझाता हूँ ऐसा करके तो ज़्यादा समझ आ, 5 वोल्ट से जो सीधा जाएगा मोटर से जाएगा फ्रेंड, जो देख सकते हो जो माइनस वाला है डायरेक्ट स्विच में जाएगा, स्विच होते हुए एक बार सीधा इनपुट वाले में जाएगा माइनस में ऐसा है। तो वही एक बार प्लस इसमें मोटर में जाएगा, ये वाला मोटर में, और इसका जो माइनस है वो स्विच में जाएगा। और एक स्विच में 2 सिरा होता है प्लस ऑन ऑफ करने का, तो एक सिरा माइनस में, एक सिरा माइनस इधर इनपुट में जाएगा। वही सिस्टम है मोटर इसमें। आपको अगर आपको समझ नहीं आएगा फ्रेंड तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं आपको बता दूंगा उसका और रिप्लाई भी जरूर दे दूंगा। तो फ्रेंड इसी प्रकार से इस तरह से वर्क करते हैं फ्रेंड। तो इससे पहले आपको चलाकर दिखा देता हूँ, ये लीजिए फ्रेंड अपना पावर बैंक जो मैं इस वीडियो में बनाया था फ्रेंड, काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता फ्रेंड। तो इस सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं इस तरीके से, और अभी करीबन है क्या रोशनी में इसका नहीं दिखता। तो चलिए फ्रेंड इसको हम कनेक्टेड कर लेते हैं यहाँ पास, एक 1 एम्पियर 2 एम्पियर। तो पहले 1 एम्पियर में हम कनेक्टेड कर लेते हैं इसको, चला कर देखते हैं फ्रेंड। ये लीजिए कोई फेंक नहीं, मैं यही पास रखता हूँ फ्रेंड, ये देख लीजिए फ्रेंड। और इसको मैं स्विच में यहाँ कनेक्टेड कर लेता हूँ, यहाँ पास कनेक्टेड कर लेता हूँ फ्रेंड इस तरीके से। अब देखते हैं इसका, देख सकते हो फ्रेंड इसका आवाज़ सुन लेना इस तरीके से। आपको इसका मैं हवा का महसूस करा देता हूँ इस कागज़ के टुकड़े से, देख सकते हो फ्रेंड इतने अच्छे तरीके से हवा दे रहा है। अब देख सकते हो, दोबारा ऑन करके दिखा देता हूँ, और वही पावर बैंक है, वही पावर बैंक देख सकते हो, वायर कनेक्टेड है। आप लोग यहीं से दिखा देता हूँ,
बहुत अच्छा हुआ तेरे पर, और आपका जो पानी मोटर है ये भी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, देख सकते हो। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं जो इसका क्या बोलते हैं जो फ्रेंड जो अपना पीछे की तरफ जो रहता है ना, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं भूल गया हूँ, तो उसे पर यहाँ लगा लेता हूँ फ्रेंड। और इसका जो जो पाइप है जो पानी निकलेगा फ्रेंड, उसको मैं लगा लेता हूँ। तो इसके लिए मेरे को पाइप लगेगा, तो पाइप मैं लेके आ जाता हूँ फ्रेंड, छोटा सा पाइप जो अपने यहाँ पास लगेगा, यहाँ पास मैं लगा लेता हूँ फ्रेंड अच्छे तरीके से। देख लीजिए फ्रेंड, मैं कोई फेंक नहीं, यहीं पास मैं लगा लेता हूँ। इसको लगाने के बाद अपन टाइट अच्छे से लगा देते हैं इस तरीके से, और यहाँ लगा लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पास अच्छे तरीके से ये आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पास अच्छे तरीके से आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पास सीधा ऐसे लगाऊंगा, ऐसे करके, और यहाँ पास मैं बंद कर दूंगा, और यहाँ से थोड़ा छोटा छेद कर लूँगा फ्रेंड, छेद इससे, और मैं जो बाहर में लगेगा फ्रेंड, तो मेरे पास अभी कुछ नहीं था फ्रेंड, तो मैं अभी पैरा को लगा दी हूँ, देख सकते हो पैरा को लगा दें, पीछे का जो कवर है फ्रेंड वो पैरा को लगा दी हूँ ताकि अच्छे तरीके से वर्क करें। तो फ्रेंड इस तरीके से हमको इसमें लगाना है, लगा कर भी दिखा देता हूँ फ्रेंड। हमको इस तरीके से लगा लेना है फ्रेंड, आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, अच्छे तरीके से लगा है, देख सकते हो आप, अच्छे तरीके से देख सकते हो फ्रेंड, कोई फेंक नहीं, देख सकते हो फ्रेंड। तो इस तरीके से हम अपना जो कूलर है मिनी कूलर बन गया फ्रेंड। तो बताना फ्रेंड कैसा लगा ये वीडियो। तो इसको मैं पहले इसको पेंट भी कर लूँगा फ्रेंड, और आपको ये पहले बना कर दिखा देता हूँ जो कूलर फैन में लगेगा, जो यहाँ से यहाँ लगेगा फ्रेंड उसको मैं लगा लेता हूँ, और पानी जो नीचे गिर रहा है उसको कलर करने के बाद अच्छे तरीके से एक बार और टेस्टिंग करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा फ्रेंड इससे। तो चलिए फ्रेंड इसको पहले हम पेंटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पाइप लगाएंगे। तो फ्रेंड मैं अच्छी तरीके से इसको पेंटिंग कर दिया हूँ फ्रेंड, मतलब इसमें पेंट चढ़ा लिया हूँ, तो काफ़ी अच्छी तरीके से इसका लुक और भी अच्छी तरीके से बढ़ गया है। तो फ्रेंड आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये मैं जो पेंट किया हूँ वो कैसा लग रहा है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड, बहुत मेहनत लगा फ्रेंड इसको बनाने के लिए, और लुकिंग देख सकते हो फ्रेंड कितनी अच्छी तरीके से इसका लुक लग रहा है। तो इसको चलाने के लिए मैं एक पावर बैंक ले रहा हूँ फ्रेंड, इसको हम चला सकते हैं, और आप इसको मोबाइल चार्जर से भी अच्छे तरीके से इसको चला सकते हो, जो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है फ्रेंड, देख सकते हो फ्रेंड इसका पानी जो अच्छे तरीके से चल रहा है फ्रेंड, तो आप देख ही सकते हो फ्रेंड। और मैं छोटा सा एक टुकड़ा बर्फ़ का टुकड़ा ले रहा हूँ फ्रेंड, आप भी ले सकते हो और ठंडे के लिए, तो इस तरह इसमें से अंदर डाल दिया फ्रेंड, और पहले आपको दिखा लेता हूँ इसका टेस्टिंग, देख सकते हो फ्रेंड कितनी अच्छी तरीके से इसका लुकिंग दिख रहा है, और अच्छी तरीके से ये वर्क भी कर रहा है फ्रेंड। तो कमेंट में बताइएगा फ्रेंड कैसा लगा ये वीडियो। तो फ्रेंड देख ही सकते हो आप कि कितनी अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहा है, और आपको कागज़ के टुकड़े से भी दिखा देता हूँ फ्रेंड कितनी अच्छी तरीके से ये हवा मुझे दे रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड मुझे दे रहा है, और आप लोगों को भी दे रहा है फ्रेंड, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड इस प्रकार से हम एक छोटा मिनी पावरफुल कूलर बनाया फ्रेंड, जो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगा फ्रेंड। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर ठोकना इसमें अंगूठे से। तो फ्रेंड आप भी अपने घर में इस प्रकार से मिनी कूलर बना सकते हो, जो लाइन चले जाने के बाद भी ये पावर बैंक से चल सकता है फ्रेंड, और हमें ठंडी हवा ये प्रदान कर देंगे फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड, बने रहे चैनल में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलते हैं, बाय बाय।